हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के बीट्स रॉ मटेरियल जो मेरे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाले बीट्स जिसमें आपको अलग अलग बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। ये रहेगा इस टाइप के ओवल शेप में, जिसमें आपको जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग शेप मिलते हैं, तो मेरे पास में इस तरह से रहेंगे। ओवल शेप है, आप देख सकते हो। इसमें कुछ अलग यहाँ पे बिग बीट्स है, यहाँ पे ये सब ग्लास बीट्स है, प्लास्टिक नहीं है। तो ये रहेगा इस तरह से, ये तिकोना शेप इसको कहते हैं। कुछ 8 mm या 10 mm का इसका साइज़ है। तो ये रहेगा, ये बहुत सारे अलग अलग साइज़ में आपको मिलता है, जिसमें मेरे पास में रेड, इस तरह से आपको एक लाइनिंग मिलता है, इस तरह से ये लाइन मिलेगा आपको। एक एक लाइन का प्राइस होता है, एक लाइन का कॉस्टिंग होता है। अलग अलग सेलर्स, अलग अलग होल सेलर्स, नॉट सेलर्स, वो अलग अलग प्राइस आप अपने हिसाब से वो लोग देते हैं। तो ये रहेगा इस तरह से, किसी का रहेगा, मैं आपको एक अप्रोक्स अमाउंट बता देती हूँ। सपोज जैसे कि एक लाइन का प्राइस रहेगा 65, 70, 90, 100, ये सिर्फ एक लाइन का बता रही मैं आपको, जिसमें एक लाइन में जो आपको यहाँ पे जो ग्लास बीट्स है वो मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऑलमोस्ट 23 से 25 का एक लाइन होता है, जिसका अलग अलग लाइन के हिसाब से प्राइस होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कलर आपको मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। कुछ 12 से 15 कलर्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लाइन जो है ये परचेस किया है, लाइन वाइज परचेस किया है। अलग अलग कॉस्टिंग है, जो 60 से लेकर 100 तक का आपको वो लाइन कॉस्टिंग आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 कलर, ये एकदम पिंक, बेबी पिंक, पिस्ता ग्रीन, और ये जो डार्क रेड है वो मैंने लिया है, ठीक है। तो ये रहेगा इस तरह से, आप देख सकते हो इसका जो शेप रहेगा। इसका मैंने ऑलरेडी एक नेकलेस बनाई हूँ, आप उसका जो इमेज है वो देख सकते हो, मैं साइड में डाल दूँगी। आप इस तरह से बीट से आप अपना हिसाब से जो नेकलेस है वो आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा, जिस तरह से मैंने बताया कि ये रहेगा यहाँ पे ओवल शेप में, जिसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं अलग अलग होलसेलर से, तो आप अपने नेकलेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप चूज़ करोगे, तो इस तरह से आपको कलर्स आप इसका नेकलेस बना सकते हो। जो जो मैंने बीट्स यूज़ करके नेकलेस बनाए हों वो आपको इमेजेस साइड में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से इन बीट्स का नेकलेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज से बीट्स का वीडियो रहेगा रॉ मटेरियल में, ये रहेगा दो टाइप के आपको मिल गए, दोनों जो ग्लास बीट्स है, एक ये त्रिकोण शेप में 8 mm 10 mm का साइज़ यहाँ पे मैंने लिया है, और दूसरा यहाँ पे रहेगा ग्लास बीट्स जो ओवल शेप में, ठीक है। एक जो ग्लास बीट्स में रहेगा ये आप देख सकते हो, इस तरह से स्मॉल साइज़ है, ये बहुत ही छोटे छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप अपना नेकलेस के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने कहा कि आप अपना साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे इसके ना नेकलेस बनते हैं, आप इसकी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक के नहीं है, ये सब यहाँ पे ग्लास बीट्स है, ठीक है। तो आप ये साइज से अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये जो साइज है 4 mm, और ये इस तरह से रहेगा ये 8 mm, इसका डबल साइज है। इसमें ये पूरा मैंने डार्क कलर का शेड लिया है। तो दूसरा यहाँ पे इसी टाइप की जो बीट्स है वहाँ पे मैंने सभी लाइट कलर के बीट्स लिए। टोटल मैंने जो बंच है ना वो बंच लिया था यहाँ पे 12 अलग अलग, यहाँ पे मैंने लाइन ली थी। हर एक यहाँ पे आपको बीट्स की ना लाइन के हिसाब से मिलता है, जो इस तरीके से ग्लास बीट्स होंगी। तो मैंने 12 लाइन परचेस की थी, तो उसका अलग से एक वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, ठीक है। वो भी आपको लाइन वाइज मिलता है, या पूरा टोटल 12 बंच के हिसाब से आप वो परचेस कर सकते हो। दूसरा जो बीट्स है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है वो है ये मोनालिसा बीट्स, आप देख सकते हो। वो इस तरह से रहेगा, जिसमें डुअल शाइन होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट से होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग ये मुझे बीट्स लगते हैं, आप देख सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही कलर लिया है, बेबी पिंक और यहाँ पे पिस्ता ग्रीन, जो आजकल बहुत ट्रेंड पे है। तो इसका मैंने कुंदन बीट्स के साथ में मिला के ना एक नेकलेस बनाया। तो ये रहेंगे मोनालिसा बीट्स, इस तरह से आप देख सकते हो। बीट्स में आपको शाइन किस तरह से डुअल शाइन मिलता है, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये सब रहेंगे मोनालिसा बीट्स, इसमें भी आपको ना बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मोनालिसा बीट्स है ना उसके लाइट कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे
अलग अलग जो बीट्स है बारीक बारीक, वहाँ पे भी मैंने इसका बंच लिया हुआ है पूरा। इस तरह से आपको शाइनिंग में आपको बहुत सारे बीट्स मिलेंगे जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको ये जो बारीक वाला ब्लैक वाला दिख रहा है, ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कुछ नेकलेस बना रहे हो लॉन्ग मंगलसूत्र टाइप का, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ये शाइन रहेगा। बहुत सारे मैंने नेकलेस में इस तरह के जो बीट्स है वो यूज़ किए हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है ये। बहुत ही मैंने थीन वाला लिया है, बारीक साइज़ लिया है। आई थिंक ये 3 mm का साइज़ है। इसमें आपको 3 mm से लेकर बहुत बड़े बड़े साइज इसमें मिलते हैं। तो ज़्यादातर ये छोटे छोटे नेकलेसेस में यूज़ होते हैं, जिसका मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि मैंने बीड्स का जो ये यूज़ किया है, लॉन्ग नेकलेस के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है। दूसरा जो अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है वो रहेंगे इस तरह से। ये अनकट यहाँ पे जो बीड्स है, आप इसको नेकलेस में या ब्रेसलेट में, आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है ये लॉन्ग नेकलेस में, या सिंपल एकदम वेस्टर्न लुक के लिए आजकल ये बहुत ट्रेंड पे है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा इस तरीके से। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हो बीड्स के बारे में या नेकलेस कैसे बनाए, तो मैं आपको उसका भी आइडिया दे सकती हूँ। इसका जो मैंने नेकलेस बनाया है, आप उसका इमेज दे सकते हो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ये मैंने परचेस किया है MOP, जिसको इसको कहा जाता है MOP, जैसे अनकट मैंने अभी आपको बताया, या वैसे ही रहेगा। इस तरह से ये बीड्स रहेंगे। आप देख सकते हो कि इसके नेकलेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं, इंडियन के साथ साथ में वेस्टर्न ड्रेस पे भी काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। आप इसको कुंदन बीड्स के साथ में यूज़ करके ना बहुत ही प्यारा लॉन्ग शॉर्ट नेकलेस बना सकते हो, जो काफ़ी अच्छा लगता है। आप ड्रेस के अलावा इसको वेस्टर्न ड्रेस पे भी पहनोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से रहेगा, ये बीड्स रहेगा, जिसे कहा जाता है MOP, मदर ऑफ पर्ल। आप देख सकते हो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छा लगता है ये। बहुत इस तरह से एक लाइन होती है, ये एक लाइन है। आपको जो परचेस करना होता है ये ऐसा लाइन के हिसाब से परचेस करना होता है। मैं काउंट कर देती हूँ एक लाइन में आपको एक अप्रोक्स कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऑलमोस्ट, मतलब आप 15 से 20 तक का लाइन में आप इसको देख सकते हो कि इतने आपको एक लाइन में बीट्स मिलेंगे। सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। आप इसमें जो IP ने उसको डाल के इस तरह से नेकलेस में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से रहता है वो, ठीक है। ये जो बीड्स है ये है यहाँ पे जो तंबल, यहाँ पे मतलब ये जो कुंदन बीड्स है, जिसमें आपको एक ओवल शेप इस तरह से मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको तिकोना शेप, और भी इसमें बहुत सारे सारे अलग अलग शेप्स अभी आए हैं, राउंड शेप, सिलेंडर शेप आया है, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरह से कुंदन बीड्स, जिनके नेकलेस बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग है। आपको यहाँ पे ना कुंदन, यहाँ पे स्टोन के साथ में भी इसको कुंदन बीड्स को यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये रहेंगे हमारे कुंदन बीड्स, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे मीनाकारी का वर्क किया हुआ है और यहाँ पे बारीक बारीक स्टोन भी लगे हुए, ठीक है। ये रहेंगे हमारे कुंदन स्टोन। इसके साथ में मैंने बहुत सारे नेकलेस बनाए, जिसमें बैक साइड में जो फिनिशिंग होती है मीनाकारी फिनिशिंग होती है, इस तरह से जो कुंदन स्टोन होते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग शेप्स रहते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, जिसमें मेरे पास में ये बिग वाला है, दूसरा इस तरह से छोटे छोटे साइज है, यहाँ पे ये ट्रायंगल में है, ये रहेगा अलग टाइप का ट्रायंगल, और यहाँ पे ओवल शेप, इस तरह से लाइन वाइज आते हैं वो, और कुछ एक शेप है और एक, वो मेरे पास पे फिलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से ये शेप रहेगा, इरेगुलर अनकट डायमंड जो यहाँ पे, इस तरह से बैक में हर एक में मीनाकारी की फिनिशिंग होती है। आप देख सकते हो इसका बैक साइड, इस तरह से ये कुंदन जो स्टोन से बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फिनिशिंग से बैक साइड में भी इसकी फिनिशिंग होती है। तो काफ़ी अच्छे नेकलेस बनते हैं इसके। मैंने बहुत सारे नेकलेस बनाए, आप देख सकते हो इमेजेस में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप बनाना चाहते हो तो इस टाइप के जो नेकलेस है वो बना सकते हो, ठीक है। और एक जो यहाँ पे बीड्स है ये रहेगा बिग में, यहाँ पे 10 mm के बीड्स है यहाँ पे। ये सब ग्लास बीड्स है इसलिए पूरे इतना राउंड है। तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से रहेंगे अलग अलग शेप में। इसके बहुत ही प्यारे प्यारे नेकलेस बनते हैं। आपको जितना पॉसिबल है मैं यहाँ पे इमेजेस डाल दूंगी, आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे अच्छे नेकलेस आप इसमें खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी किसी भी रॉ मटेरियल की अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कौन से ज्वेलरी के रॉ मटेरियल की आपको डिटेल चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये सब है, ये प्लास्टिक के जो व्हाइट वाले पर्ल है, ये पॉलिशिंग वाले पर्ल्स है,
ठीक है, इस पर वाइट वाला पॉलिशिंग किया हुआ है, तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, ओके ओके क्वालिटी है। तो आपको इसमें ना वाइट में प्लास्टिक के जो बीड्स होते हैं इसमें आपको अलग अलग बहुत सारी आपको क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है, लास्ट अभी यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो का लास्ट जो यहाँ पे बीड से जो रिसेंटली मैंने अभी परचेस किया है। ये रहेगा इस तरह से एविलाई का, यहाँ पे कलरफुल है इसकी जो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे नेकलेस ब्रेसलेट्स बहुत बन रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस में बहुत सारे मैंने इसके जो गर्ल्स ब्रेसलेट है वो मैंने बनाए हैं, काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे कलर्स हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक नहीं है, ये भी ग्लास है जो बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। कलरफुल आप इसमें नेकलेस बना सकते हो, ब्रेसलेट्स के लिए आप जो यूज़ कर सकते हो गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे बीड्स, ये रहेंगे ग्लास बीड्स, ये रहेंगे एविलाई, ये रहेंगे मोनालिजा, ये रहेंगे यहाँ पे प्लास्टिक के बीड्स, ये रहेंगे आपके एमओपी मदर ऑफ पर्ल, ये रहेंगे आपके ग्लास बीड्स तिकोने शेप में इस तरह से कलर में, और ये रहेंगे इस तरह से आपको ग्लास बीड्स छोटे साइज में अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको रहेंगे इस तरह से जिस तरह से मैंने कहा मदर ऑफ पर्ल। तो ये रहेंगे बहुत अलग टाइप के आपको बीड्स मिलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपकमिंग है रॉ मटेरियल की डिटेल के बारे में, तो वो भी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी कौन से रॉ मटेरियल किस तरह से आप नेकलेस बना सकते हो। ठीक है, अगर इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।